डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विकास की राह पर तेजी से बढ़ने की कोशिश करते भारत जैसे देश के लिए ऊर्जा में स्वावलंबन हासिल करना सबसे बड़ी जरूरत है। विराम। हमें कारखाने लगाने हैं, कोमा उत्पादन बढ़ाना है, कोमा करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है। विराम। ये सारे लक्ष्य जिस एक जरूरत की तरफ इशारा करते हैं, कोमा वह है ऊर्जा यानी बिजली। देश में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट गहराता जा रहा है। विराम। हालात ये हैं कि केंद्र के आश्वासन के बावजूद कोई इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि कोयले की कमी के चलते देश के ज्यादातर इलाके जल्द ही अंधेरे में डूबे नजर नहीं आएंगे। पैराचिन। बीते कुछ समय से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि कोरोना काल में बिजली की मांग कई गुना बढ़ने और अन्य कारणों से ताप बिजली घरों में कोयले की कमी हो गई है। विराम। कहा तो यहाँ तक गया है कि ज्यादातर संयंत्रों के पास कुछ ही दिनों का कोयला बचा है। विराम। अगर वाकई ऐसा है तो महामारी की मार के बाद पटरी पर लौटते अर्थव्यवस्था के लिए यह किसी झटके से कम नहीं होगा। विराम। इस स्थिति में देश के सामने यह सवाल खड़ा होगा कि आखिर हमारी सरकार 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क की जरूरतों का आकलन करने में कैसे विफल हो गई और उसने बिजली जैसी आवश्यक चीज के संकट का पहले से आकलन कर हालात से निपटने का उपाय क्यों नहीं ढूंढा। विराम। पैराचिन। लेकिन यहाँ दो बुनियादी सवाल हैं। विराम। पहला तो यह कि आखिर देश में कितनी बिजली कोयले से बन रही है और भयानक प्रदूषण पैदा करने वाले कोयले से बनने वाली बिजली का विकल्प अब तक क्यों नहीं तैयार किया गया। और दूसरा सवाल यह कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाले देश में इसका अकाल क्यों है। असल में जब बात लागत और कीमत की होती है तो कोयले से चलने वाली ताप बिजली घर बाजी मार ले जाते हैं। कोयले से मिलने वाली बिजली सस्ती होती है। विराम। कोयले की उपलब्धता का आकलन करें, कोमा तो मौजूदा संकट से एक चिंताजनक विषय सामने उपस्थित हो जाता है। विराम। भारत सहित दुनिया के कई देशों में 25 साल पहले की तुलना में हजारों टन ज्यादा कोयला धरती के भीतर से निकाला जा रहा है। विराम। लेकिन ऊर्जा की बढ़ती मांग कोयले के भविष्य को धुंधला कर देती है। पैराचिन। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक अध्ययन के अनुसार 2050 तक दुनिया में ऊर्जा की मांग 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। विराम। भारत चीन जैसे विकासशील देशों में तो यह मांग इतनी तेजी से बढ़ेगी कि इसे पूरा करने में पसीने छूट जाएंगे। विराम। हाल में चीन से भी ये खबरें आ रही थीं कि वहाँ बिजली का गंभीर संकट खड़ा हो गया है क्योंकि कोयले का मौजूदा जमा भंडार खत्म हो रहा है। विराम। चीन के 31 में से 16 प्रांतों में बिजली की कटौती की गई, कोमा रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल बंद करने पड़े और कई फैक्ट्रियों को अपना उत्पादन धीमा करना पड़ा क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही थी।
विराम। चीन में दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो ताप बिजली घरों से सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करता है। पैराचेन, भारत की स्थिति चीन से अलग नहीं है। विराम, हमारे देश में भी कोयले से मिलने वाली बिजली कुल विद्युत उत्पादन की 72% है। विराम, यही बिजली आम जनता के उपयोग से लेकर उद्योगों को दी जाती है। विराम, देश में पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब मानसून के दौरान कोयला खदानों में पानी भर जाने के कारण प्रायः सितंबर अक्टूबर में कोयले का भंडार कम हो जाता था और बिजली उत्पादन में कटौती की नौबत आ जाती थी। विराम, लेकिन इस साल यह संकट अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचने की आशंका है। विराम, ऐसा क्यों हुआ, कोमा, इसके कई कारण हैं। विराम, पहली वजह बिजली की खपत में बेतहाशा बढ़ोतरी होना है। विराम, बताया जा रहा है कि महामारी प्रतिबंधों के हटने के बाद उद्योग धंधों में रफ्तार आई है और बिजली की मांग बढ़ी है। विराम, इसके अलावा घरेलू बिजली की भी मांग बढ़ी है क्योंकि अभी भी ज्यादातर लोग घरों से काम कर रहे हैं, कोमा, इसलिए एयर कंडीशनर व अन्य उपकरणों में बिजली खपत बढ़ी है। विराम, आंकड़े बताते हैं कि इस साल अगस्त में बिजली की खपत 124 अरब यूनिट थी, कोमा, जबकि 2 साल पहले यानी महामारी से पूर्व अगस्त 2019 में यह खपत 106 अरब यूनिट थी। विराम, बिजली की मांग में करीब 20% की इस बढ़ोतरी ने आपूर्ति में कटौती का संकट पैदा कर दिया है। विराम, सरकार का एक और तर्क है। विराम, केंद्र सरकार के मुताबिक इसी अवधि के दौरान सौभाग्य कार्यक्रम के तहत देश के 2,80,00,000 घरों को बिजली कनेक्शन दिया गया है। विराम, हालांकि इस कार्यक्रम में इन करोड़ों घरों में बिजली का सिर्फ 1 बल्ब लगाया गया था, कोमा, लेकिन इन ज्यादातर परिवारों ने पंखे, कोमा, कूलर, कोमा, टीवी आदि का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। विराम, यही नहीं, कोमा, अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि नए उपभोक्ता जुड़ने का यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। विराम, इससे बिजली घरों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, कोमा, ताप बिजली घर चूंकि पूरी तरह से कोयले पर निर्भर हैं और कोयले की आपूर्ति कई कारणों से प्रभावित होती है, कोमा, इसलिए इस काले सोने से मिलने वाली बिजली और इसकी कीमत में आगे भी इसी तरह की खींचतान जारी रह सकती है। विराम, मालूम हो कि खदानों से निकलने वाले या बाहर से आयातित कोयले की मात्रा में गटबड आपूर्ति के मुताबिक होती रहती है। विराम, मानसून में बारिश के दौरान खदानों में पानी भरने से आपूर्ति में कमी आ जाती है। विराम, इसके अलावा भले ही हमारे देश में दुनिया का 4था सबसे बड़ा कोयला भंडार है, कोमा, लेकिन जरूरत की भरपाई के लिए हमें विदेशों से कोयला मंगाना पड़ता है। विराम, चीन के बाद भारत कोयले का सबसे बड़ा आयातक है। विराम, एक समस्या यह भी है कि देसी खदानों से निकलने वाला कोयला खराब गुणवत्ता का होता है जो जलाने पर ऊर्जा कम, कोमा, और धुएं के रूप में प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन ज्यादा पैदा करता है। विराम, इसलिए आयात घटाने की कोशिशों के बावजूद यह बढ़ता जा रहा है। विराम, इधर इसमें समस्या यह आई कि
चीन से बिगड़े संबंध आयातित ऑस्ट्रेलियाई कोयले के रास्ते में अड़चन बन गए। दावा है कि भारत का 20 लाख टन से अधिक ऑस्ट्रेलियाई कोयला चीन के बंदरगाह पर महीनों में अटका पड़ा है। विराम। हमारे देश में सीमेंट और इस्पात बनाने वाली कंपनियां सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला ऑस्ट्रेलियाई कोयला आयात करती हैं। समाप्त।